नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे मुंबई में उल्लास नगर में बन रहा ईसाई नगर। 2 लाख हिंदू बन गए ईसाई। हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं का इस प्रकार खुलेआम धर्मांतरित होना, यह अभी तक के शासनकर्ताओं द्वारा हिंदुओं को धर्म शिक्षा ना देने का ही गंभीर परिणाम है। यह अब तक की शासनकर्ता के लिए लज्जाप्रद है। इस स्थिति को बदलने के लिए जब हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, जिस सिंधी समुदाय ने अखंड हिंदुस्तान के विभाजन के समय हिंदू धर्म जीवित रहे, इसके लिए पाकिस्तान में स्थित अपनी भूमि संपत्ति और सब कुछ त्याग दिया, वही सिंधी समुदाय अब ईसाइयों के लालच की बलि चढ़ रहा है और उच्च वर्गीय सिंधी वर्ग अब ईसाई मिशनरियों उल्लास नगर में धर्मांतरण की घटनाओं को रोकना अब स्थानीय हिंदुओं के नियंत्रण के बाहर आ चुका है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ की सिंधी अर्थात हिंदू नष्ट होकर उल्लास नगर को महाराष्ट्र के पहले ईसाई नगर के रूप में घोषित होने में समय नहीं लगेगा। मुंबई ठाणे जनसंपद का उल्लास नगर अब ईसाई मिशनरियों के लिए धर्मांतरण का अड्डा बन गया है। विगत 5 से 6 वर्षों व षड्यंत्र के अंतर्गत यहां के लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया है। स्थानीय सिंधी संगठन और प्रतिनिधियों ने यह चौंका देने वाली जानकारी दी है कि मिशनरियों ने यहां के बहुसंख्यक सिंधी समुदाय को अपना लक्ष्य बनाया है और विगत 5 से 6 वर्षों में यहां के 28,000 परिवारों के 1.5 से 2 लाख सिंधी लोगों का धर्मांतरण किया गया है। यहाँ के सिंधी समुदाय के इस धर्मांतरण को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कहा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी है कि उल्लासनगर में जमीन के भाव बहुत अधिक होते हैं। इस परिसर में 18 बड़े चर्च का निर्माण किया गया है। नगर में ईसाई मिशनरियों ने अपना इतना बड़ा जाल बनाया है कि इस क्षेत्र में कुल 25 से भी अधिक छोटे बड़े चर्च और 100 से भी अधिक प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के समय इसके लिए सिंधी समुदाय भारत में आ गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा विगत कुछ वर्षों में सिंधी समुदाय का अत्यंत नियोजन पूर्वक तथा गुप्त पद्धति से धर्मांतरण किया जा रहा है। इस विषय में यहां पत्रकार और सूचना अधिकार कार्यकर्ता श्री सत्यम पुरी ने यहां की भयावह वास्तविकता बताते हुए कहा है कि उल्लास नगर के अधिकांश परिवार की न्यूनतम एक तो व्यक्ति ईसाई बन ही गया है। ईसाइयों द्वारा बांटी गई पत्रिकाएं, पहला, यहां के अनेक लोगों ने यहां बताया कि ये धर्मांतरित सिंधी लोग अपने समुदाय के अन्य लोगों को भी धर्मांतरित होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी और अनेक परिवार ईसाई बन गए हैं, वे ईसाई पंथ के प्रचार हेतु अपने प्लेट जमीन साथ ही साथ अपनी गाड़ियाँ भी ईसाई मिशनरियों को उपलब्ध करा रहे हैं। धर्मांतरित सिंधी व्यापारी वर्ग और उच्चतर के सिंधी लोग अपने परिजन और समुदाय के अन्य लोगों को भी धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। तीसरा, स्थानीय हिंदू इन धर्मांतरण की घटनाओं के विरुद्ध वैधानिक पद्धति से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उनके प्रयास कम पड़ रहे हैं। धर्मांतरित सिंधी स्वयं का नाम ना बदलकर सिंधी लड़कियों से विवाह कर उनसे कर रहे हैं धोखाधड़ी। श्री सत्यम पुरी ने बताया कि सिंधी समुदाय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की अपेक्षा कम है। ये लड़कियां इन धर्मांतरित सिंधी लड़कों के साथ विवाह करने के राजी होते हैं, इसलिए ईसाई पृष्ठ इन धर्मांतरित सिंधी युवकों को अपना पहले का ही नाम चालू रखने के लिए कहते हैं। इसका कारण उससे विवाह करने में लड़कियों को विवाह के पश्चात उसके पति द्वारा ईसाई पंथ का स्वीकार करने की बात ज्ञात होती है। तब पश्चात ये धर्मांतरित युवक अपनी पत्नी पर
धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं आज घर घर में हो रही है। झूठे चमत्कार बताकर किया जाता है धर्मांतरण। उल्लासनगर के निकट ही ताबोर आश्रम नामक एक ईसाई संस्था की स्थापना की गई है। यह तथाकथित आश्रम धर्मांतरण का बड़ा केंद्र है। साथ ही नगर के विविध स्थानों पर अंधविश्वास फैलने वाले कार्यक्रम निरंतर चालू हैं। ऐसे कार्यक्रम के प्रचार के अंतर्गत विविध स्थानों पर अपाहित व्यक्ति चल सकेंगे, अंधा देख सकेगा और ईसाई मसीहा के शरण में आए, ऐसा वाक्य छुपे हुए पोस्टर्स लगाए हुए दिखाई देते हैं। क्या महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को यह अंधश्रद्धा नहीं दिखाई देती, या उन्हें ईसाई के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं है? संपादक, ऐसा होते हुए भी प्रशासन की ओर से ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रम के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई देती। विविध चैनलों में इन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाता है। तो इस प्रकार धर्मांतरण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, और आप तो जान ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में साधुओं की भी हत्या हो रही है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ईसाइयों का, तो इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जागो हिंदू जागो।